भाई साहब, एक बड़े कमाल की बात बता रहा हूँ कि पढ़ाई करने वाले बच्चे, मेहनत से पास होने वाले बच्चे और नकल करके पास होने वाले बच्चों का फर्क बिल्कुल साफ समझ में आ जाता है। क्योंकि पढ़ाई करने वाला बच्चा जो होता है, मेहनत करने वाला बच्चा होता है, वो टॉप भी कर सकता है और टॉप करता भी है। लेकिन अगर नकल करने वाला बच्चा टॉप कर जाए तो सबको मालूम पड़ जाता है कि ये कैसे यहाँ पर पहुँचा है। ऐसे ही कुछ, मतलब अभी आप समझ गए होंगे, ये जो रिजल्ट आए कल, उसमें से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती। उनको बहुत बहुत बधाई भाई। हाँ, बधाई देनी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि वो 3 राज्यों में जीते हैं। राजस्थान में जीते, छत्तीसगढ़ में जीते और मध्य प्रदेश में तो भाई साहब एकदम प्रचंड तरीके से जीते। ऐसी जीत इनको आज तक नहीं मिली जितने प्रचंड तरीके से मध्य प्रदेश में इस बार जीते। तो राजस्थान में बताया जा रहा है कि भाई वहां पर कांग्रेस की सरकार थी और एंटी इनकम्बेंसी जो थी उसके चलते, और रिवाज भी है वहां का कि एक बार बीजेपी एक बार ये, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जीतना बनता है, दिखता है, समझ में आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर भी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, वहां पर भी जीत जो है समझ में आती है। लेकिन भाई साहब, मध्य प्रदेश की जो जीत है वो अभी तक बहुत सारे लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। मुझे तो लगता है ये जीत नहीं, ये डाका है, डाका डाका डाला है ये। क्यों? क्योंकि राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, छत्तीसगढ़ में हो सकती है, और यहां पर 18-20 साल से सरकार थी, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। इतना लूट घसोट, इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, जनता त्रस्त थी 18 साल के इनके शासन काल में, पता नहीं क्या क्या हुआ। और भाई साहब, जनता ने उल्टा इनको डबल सीटें दे दी, इतना ज्यादा वोट दे दिया, ऐसा क्या हो गया था? मतलब ऐसी कौन सी चीज हो गई, ऐसा कौन सा फैक्टर था? भाई राजस्थान में अगर होता ना कि ये 10-20-25 सीटें और जीत जाते तो समझ में आता था कि भाई वहां पे मेहनत भी की, वहां पे एंटी इनकम्बेंसी भी थी, वहां पे बदलाव की भी बयार चली, वहां पे सब कुछ हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश में पिछली बार जितनी सीटें पाई थी उससे 10-20 सीटें और ज्यादा पा जाते, सरकार बना लेते, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये 163 सीटें मध्य प्रदेश में आई कहां से हैं, ये बहुत लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई और कई लोग इधर उधर लिख भी रहे हैं कि इतनी सीटें, जनता वहां पर त्रस्त थी, जनता इनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, मुख्यमंत्री जो थे शिवराज सिंह चौहान जी, उनको चेहरा नहीं बनाया गया था, और बहुत सारे मुद्दे थे, एंटी इनकम्बेंसी भी थी, इसके बावजूद भाई साहब जीत गए, और जीते नहीं, प्रचंड तरीके से जीते। तो इसका मतलब यह है कि ये जीत नहीं है, ये किसी तरीके का डाका डाला गया है। कुछ लोग ईवीएम की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है, किसी को नहीं पता है, क्योंकि जो डाका डालते हैं वो इतने शानदार तरीके से, इतनी बारीकी से डाका डालते हैं कि अगर लोगों को पता ही चल जाए तो फिर डाके का मतलब क्या है। लेकिन शक होता है, 163 सीटें, ऐसा आखिरकार आपने क्या कर दिया, क्या हो गया? 163 सीटें, मतलब जब आंधी आती है किसी भी पार्टी की, आंधी आती है कि नहीं भाई अब हमको, जैसे 2014 में जब मोदी जी की आंधी आई थी कि लोग कांग्रेस से त्रस्त थे, भ्रष्टाचार फलाना डिबाका, और मोदी जी नया नया चेहरा आए थे, सबको लग रहा था कि नहीं अब की बार मोदी सरकार, तो वहां पर प्रचंड जीत मिली, समझ में आता है। मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ क्या? कितने घपले घोटाले, कितनी सारी चीजें लोगों के सामने हैं। बेरोजगारी की हालत वो देखिए, आदिवासियों की हालत देखिए, आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया गया और शिवराज सिंह चौहान जी ने उनके हाथ पैर धो लिए थे, और न जाने महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ, और बहुत कुछ हुआ। और महंगाई की तो बात आप छोड़ी दीजिए। हाँ, हो सकता है कि ये जो इन्होंने लाडली बहना वाली स्कीम चलाई थी उससे बहुत सारी बहनें इनके साथ आ गई, लेकिन इतनी प्रचंड 163 सीटें, ये हजम नहीं होता है। इस 163 सीटों से 113 होती, 123 होती, सरकार भी बना लेते तो भी 163 सीटें आई कहां से?
मतलब अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को याद होगा एक कांड हुआ था बहुत समय पहले उधर दिल्ली और नोएडा के साइड में, आरुषि हत्याकांड। तो आरुषि हत्याकांड में क्या हुआ, वो बच्ची थी, उसका मर्डर हो गया। तो फिर बाद में देखा गया छत में एक और मर्डर था, हेमराज करके उनके घर का नौकर था। तो लोगों ने कयास लगाया कि शायद हेमराज ने इसका मर्डर किया, और बाद में डॉक्टर तलवार जो थे आरुषि के पिता, तो उनको लगा कि शायद इसने इसको मारा, तो उसको मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया। भाई साहब बड़ा इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें डॉक्टर साहब जेल के अंदर काफ़ी समय तक रहे, डॉक्टर साहब की पत्नी जेल में रही, जेल में रहे केस चलता रहा, फिर सालों बाद वो जेल से छूट गए, उनकी पत्नी भी छूट गई, लेकिन पता नहीं चला कि आरुषि का मर्डर किया किसने। बस बिल्कुल वैसे ही पेचीदा केस है कि 110, 120, 125 सीटें आती, जीत जाते, सरकार बना लेते, कोई फर्क नहीं था, लेकिन लोगों को ये लग रहा है 163 सीटें कहां से आई। बस वही है, लग सबको रहा है, लेकिन आरुषि हत्याकांड की जैसे पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, पता नहीं चल रहा है। अब पता नहीं चल रहा है तो बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं, और कहने को लोग ये भी कहेंगे अरे देखा ये हार गए, कांग्रेस हार गई तो ये ऐसा बोल रहे हैं और वैसा। भाई हार जीत की बात नहीं है, कोई ना कोई हारता है जीतता है, यही बीजेपी कर्नाटक में हार गई थी, हिमाचल में हार गई थी, बंगाल में हार गई थी, लेकिन गुजरात में जीत गई थी, उत्तर प्रदेश में जीत गई थी, अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सारी जगह जीत गई। जीत हार की बात नहीं है, लेकिन जब कोई शंका होती है तो एक नागरिक होने के नाते सब कोई अपने मन की बात करता है, तो एक शंका होने के नाते एक बात तो ये बनती है, कहने को वो लोग जो हारे हैं वो लोग अपना मंथन करेंगे कि कमलनाथ की वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन वो लोग सरकार में नहीं थे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा घपला घोटाला लफड़ा लोचा, बहुत लोग उनसे बहुत ज़्यादा त्रस्त थे जो इतना प्रचंड बहुमत दूसरी पार्टी को दे दिया। ये तो 18 साल के शासन के बाद और सारे अत्याचार परेशानियां दुख दर्द महंगाई महिलाएं आदिवासी सारी चीजें देखने के बाद में ऐसा क्या हो गया कि लोगों ने मतलब दुखी होने के बावजूद इतने सारे वोट दे दिए। या तो ये भी हो सकता है कि भाई वहां की जनता ने सोचा होगा हम लोग तो इतने साल से दुखी है ही है, एक काम करते हैं बीजेपी वाले इधर आ, ये लोग गपा गप गपा गप गपा गप, हम लोग दुखी हैं तो क्या हुआ, जाओ तुम ही सुखी हो जाओ। मतलब दुखी जनता ने भी परेशान जनता ने भी इन्हीं लोगों को वोट दे दिया, लेकिन आसान नहीं है क्योंकि बाकी जगहों पे तेलंगाना में कोई बात नहीं हो रही है, राजस्थान पे कोई बात नहीं हो रही है, छत्तीसगढ़ पे कोई बात नहीं हो रही है, मिजोरम में कोई बात नहीं हो रही है, ये मध्य प्रदेश को लेकर के लोगों के मन में एक सवाल कहां से उठ रहा है और क्यों उठ रहा है। अगर ऐसा है तो ये चिंताजनक बात है कि आप कुछ भी कर लो, किसी भी मुद्दे पे बात कर लो, कितनी सच्चाई से आप टिके रहो, कितना भी आप बेरोजगारों के हित की बात कर लो, महिलाओं के हित की बात कर लो, कितनी अच्छी अच्छी स्कीमें लॉन्च कर दो, सब कुछ कर रहे हो, जनता बोलती नहीं नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको खाली बस इन्हीं को वोट देना है। तो अगर जनता का भी मूड मिजाज ऐसा है तो भी सोचने वाली बात है कि हमारा देश हमारा लोकतंत्र फिर कहाँ जा रहा है, फिर तो चुनाव कराना ही बंद कर दो, यही लोग लोकप्रिय हैं, यही लोग अच्छे हैं, तो इन्हीं को जीतना है, आ जाओ भैया, हाँ हाँ ताली बजा दो सब लोग, जाओ जाओ चलो फिर से तुम लोग सरकार बनाओ, आ जाओ फिर से तुम लोग मध्य प्रदेश में बनाओ, छत्तीसगढ़ बनाओ, उत्तर प्रदेश बनाओ, यहाँ बनाओ, सब जगह तुम ही लोग बना लो, चुनाव की भी जरूरत नहीं क्योंकि लोकप्रिय हैं ये लोग, घर घर छाए हुए हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, अगर ये लोकप्रिय है तो मोदी जी को अपने चेहरे पे चुनाव क्यों लड़ना पड़ता है, वहां पे मुख्यमंत्री का जो चेहरा थे, मुख्यमंत्री थे, उनका चेहरा पीछे क्यों किया गया, कहीं ना कहीं इसका मतलब जनता उनके नाम से दुखी थी, जनता उनके काम से दुखी थी, तभी तो उनका चेहरा पीछे किया गया। तो जो मुख्यमंत्री अपने शासनकाल में गड़बड़ घोटाला चीजें कर रही है और ये बात मोदी जी को पता है कि जनता इनसे त्रस्त है, उनका चेहरा हटा दिया और इनका हटा दिया, उसके बावजूद अगर जीत जाते हैं और इतनी प्रचंड जीत, तो फिर एक शक और शंका तो होती है, कहने वाले तो लोग कहते हैं अरे ये हार हमें कांग्रेस से इनसे किसी की
लेकिन जो इतनी बड़ी एक ये होती है, और मैंने देखा बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका थी, तो मैंने कहा ये बात करना ज़रूरी है। अब ये बात रखने पे ही कोई मुझे एंटी नेशनलिस्ट और एंटी फलाना और ये कांग्रेसी और चमचा, किसी को कुछ भी कहना हो कहे, लेकिन ये विचार तो आता है, वो तो ध्यान से सोचिएगा आपके मन में भी होगा। और तो और, जो लोग वहाँ के इतनी सीटें आई हैं, तो उनकी पार्टी के भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार इतनी सीटें कहाँ से आ गई, इतना तो नहीं सोचा था, नहीं इतना तो ठीक था, इतनी आई कहाँ से, हम लोगों ने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं है, विरोध भी हो रहा था, ये भी था, और इनकी लहर भी चल रही थी, हमारी वो भी नहीं चल रही थी, और हमने कोई लंबा लंबा झूठ भी नहीं बोला जैसा हमेशा बोलते, इतनी सीटें कहाँ से जीत गए। तो भाई साहब, इनकी पार्टी के लोग खुद सोच रहे हैं कि इतनी सीटें कहाँ से आ गई, तो जब वो लोग वो बोलेंगे थोड़ी आपको, लेकिन सोच रहे हैं वो भी, क्योंकि उनको तो पता है जमीनी हकीकत, तो वो लोग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम तो बोल ही सकते हैं, हम तो सोच ही सकते हैं, हम तो आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं। भाई, एक नागरिक होने के नाते मन में अगर कोई शक आता है तो उस पर डिस्कस करना चाहिए, उसमें मैं नहीं समझता हूँ कोई बड़ी बात है, आप भी सोचिएगा एक बार। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।